बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जी हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ते। ये चिकन है, इसको मैं इसमें फूड प्रोसेसर में डाल के पहले इसका कीमा बनाऊंगी, फिर ये डालेंगे हम जो चीज़ें आपके सामने ही शेयर करते हैं। डालो चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा किलो है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बस मेजरमेंट नहीं की मैंने, क्योंकि मेरे घर चिकन आती है ना, उसमें से मैंने निकाल के बोनलेस सारी रख दी थी। मैंने कहा कोफ्ते बनाऊंगी। ये जी कीमा बन गया, अब इसको हम निकालते हैं बाउल में और पहले इसका मसाला बना लेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर कीमे को मिक्स कर लेंगे उसके अंदर। निकालो बाहर एहतियात से। अब इसके अंदर ये डालते हैं हरी मिर्च और प्याज। मैंने वैसे ग्राइंड करके भी प्याज रखे हैं, मसाला जब बनाएंगे ना देगची में, क्योंकि गलते बहुत देर से हैं, प्याज और कोफ्ते चिकन के बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रखे हैं। हमें लहसुन प्याज डालेंगे इंशाल्लाह आपके सामने। बंद करो। अब इसके अंदर वो डाल दो चिकन, अभी मोटा है ज़रा थोड़ा सा। ये जी प्याज भी ग्राइंड हो गए हैं, अब इसके अंदर कीमा डालते हैं। डालो कीमा। इसमें खुश्क धनिया डालो एक चम्मच भर के, गरम मसाले का भी डालो, नमक, खुश्क धनिया पिसा हुआ, पहले नमक डालो थोड़ा, आधा डालना बस, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ। इसमें मैं अंडा नहीं डालूंगी, जब बीफ का होता है ना उसमें अंडा डालते हैं नरम करने के लिए, ये ऑलरेडी नरम होता है, तो ये गरम मसाला हाफ टी स्पून डाले, ग्राइंड करूंगी अभी मैं धनिया, तो फिर डालूंगी आपके सामने। इनको ग्राइंड करो, फूड प्रोसेसर को बंद करो। धनिया मेरा ग्राइंडेड जो था ना वो ख़त्म हो गया है। ये जी कीमा ग्राइंड हो गया, मैंने आपके सामने हर चीज़ डाली थी, गरम मसाला पिसा हुआ, इसमें खुश्क धनिया मेरे ग्राइंड ख़त्म हो गए थे, अभी कर लिए ग्राइंड। ये देखेंगे खुश्क धनिया, मैं ज़रा दरदरा रखती हूँ धनिया को, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाती, तो अभी लड़की ने कर लिए ग्राइंड, तो अब ये डाल दें। नमक पहले डाला है, लाल मिर्च डाली है, गरम मसाला पिसा हुआ डाला है, ज़ीरा वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती, खुशबू चेंज हो जाती है, बस जो चीज़ें मैंने डाली हैं आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। आज मैं अंडा नहीं डाल रही इसके अंदर, इसको मिक्स करो, हाथ धोई हो ना, अब मिक्स करो अच्छी तरह से। मिक्स करके अब इसके हम कोफ्ते शेप देते हैं, फिर आपके सामने बनाती हूँ। चिकन का कीमा मैंने बाहर से नहीं करवाया, मैंने चिकन जो मंगवाई थी घर के लिए मेरी आती है, मैंने उसमें से बोनलेस बोटियाँ कुछ निकाल ली थी, वो भी घर में हमने कीमा बना लिया इसका फूड प्रोसेसर में ही। अभी हम इनको शेप देते हैं कोफ्तों की, फिर आपसे शेयर करते हैं। ये जी कोफ्ते बना लिए मैंने, ये देखिए बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह, आप ऐसे ही ट्राई कीजिए, गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, ये मस्ट होता है, क्योंकि इसकी खुशबू ही अच्छी लगती है, इसमें महक गरम मसाले की, इसका अरोमा बढ़ जाता है। अब इसे मैंने देखी चढ़ा दी आग पे, अब इसमें हम देसी घी डालते हैं और थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए थोड़ा सा। चलो डालो थोड़ा सा और भी डालो। प्याज
ये देखिए ये मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे प्याज पहले से ही, ताकि इसमें अच्छी तरह से गल जाएँ। वो नहीं गलते फिर बहुत टाइम लगता है। और गलो ना चम्मच के साथ डाल दो। ये जो प्याज की भुनाई मैं कर रही हूँ थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, फिर इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन डाल के फिर थोड़ा सा भून के उसको फिर पानी थोड़ा सा डालेंगे, फिर कोफ्ते इसमें डाल देंगे। आज कोफ्ते में मैं टमाटर नहीं डाल रही, थोड़ी सी दही भी डालूंगी और लस्सी भी डालूंगी। ये भी प्याज फ्राई हो गई, इसके अंदर अब हम लहसुन डाल दें, 1 टीस्पून डाल दो। हाँ इसमें डाल दें, थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, फिर इसमें पानी डालेंगे। ये जी लहसुन भी इसमें फ्राई हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब इसमें नमक मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने कोफ्तों में डाल दिया है, फिर टेस्ट करके डालेंगे। लाल मिर्च डालते हैं 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून, 1.5। गरम मसाला भी इसके अंदर है ऑलरेडी पिसा हुआ। अब इसमें कोफ्ते डालते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कोफ्ते डाल दिए, ना इनको कवर करके रख देते हैं। जैसे भुनाई का टाइम होगा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब इसमें चम्मच नहीं हिलाऊँगी, हम साइड से पकड़ के इसको हिलाएंगे ताकि कोफ्ते टूट ना जाए। मैंने अंडा भी नहीं डाला इसके अंदर। ये भी कोफ्ते डाल दिए, पक रहे हैं इसके अंदर। इसको अब कवर कर देती हूँ मैं, जब ये भुनाई का टाइम आएगा तो आपके सामने मैं हर चीज़ डालूंगी इसके अंदर। नमक टेस्ट किया है, ज़रा कम है नमक इसके अंदर। ये 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ नमक। भुनाई करते हैं अभी। ये दही भी मेरे घर की दही है, घर जमाई थी मैंने, ये भी डालते हैं। ये जी हरी मिर्च भी डाल रही है इसके अंदर साबित भुनाई के बाद। इसकी तरह अच्छी तरह से भुनाई करती हूँ। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, ऑयल निकल आएगा, घी निकल आएगा, फिर इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा शोरबा करेंगे, ऐसे जितना ये है। अच्छा लगता है ज़रा शोरबे वाले। ये जी भुनाई हो गई है, देखिए कितना अच्छी तरीके से हो गई है, ऑयल निकल आया है इसका। ये चम्मच नहीं उठा है ना, ये देखिए ये बबल जा रहे हैं, इस मीन्स के ये बुनाई हो गई है बहुत अच्छी तरह। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, 1 कप जितना पानी डालते हैं बस। ये शोरबा के लिए थोड़ा सा पानी डाले, 1-2 बॉयल आएंगे तो हम आग बंद कर देंगे इसको। अब मैं डिश आउट करूँगी तो फिर आपसे शेयर करती हूँ। ये है जी हमारी आज की डिश, मैंने डिश आउट कर लिया। ये हमारी रेसिपी है चिकन कोफ्ते, बहुत मज़े के बने हुए हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कैसी है। जो चीज़ें मैंने डाली हैं इसके अंदर, मैंने प्याज डाला है इसके अंदर, लहसुन नहीं डाला ग्राइंड करते हुए फूड प्रोसेसर में, प्याज, गर्म मसाला पिसा हुआ और खुश्क धनिया पिसा हुआ, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, ये चीज़ें डाली थी। बहुत मज़े के लग रहे हैं। पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर रेसिपी मेरी टाइम पे मिल जाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।